दिल्ली में आयोजित हुए 3 दिवसीय नेशनल मार्शल आर्ट कराटे प्रतियोगिता में मथुरा के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराते हुए 13 गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। दिल्ली में आयोजित हुए नेशनल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के साथ साथ विभिन्न प्रदेशों से आई टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से आए खिलाड़ियों ने अपना परचम और अपना दमखम दिखाया, जिसमें मथुरा से कोच विकास शर्मा के नेतृत्व में गई 13 सदस्यीय खिलाड़ियों में 11 लड़कियों और 2 लड़कों ने अपने प्रतियोगिता में भाग लिया। मथुरा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए कड़े मुकाबले में प्रदर्शनकारियों को हराते हुए सभी खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया और मेडल जीतकर मथुरा पहुंचने पर खिलाड़ियों में खासी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम आगे भी इसी प्रकार खेलते रहेंगे, देश के लिए भी खेलना चाहते हैं। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए विजेता खिलाड़ी और कई खिलाड़ियों ने बताया कि मार्शल आर्ट खेल उन्हें बहुत पसंद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती गौतम। हाँ पार्वती, ये शील्ड और जो सर्टिफिकेट मिले हैं, क्या सर्टिफिकेट है और कहाँ से आपने जीते हैं? हम नेशनल कलर के आए दिल्ली से अभी, तो वहाँ पे हम गोल्ड मेडल जीत के आए हम लोग। कितनी टफ था ये फाइट करना? टफ था, हम लोगों ने बहुत मेहनत करनी पड़ी। कितने राउंड आपने फाइट किया? और हमने 3 राउंड वहाँ पर फाइट किए थे। अगर मार्शल आर्ट को देखा जाए तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, क्या मानते हैं इसे? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है लड़कियों की सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिपेंड बनना बहुत जरूरी है।